तो हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये जेब्रोनिक का होम थिएटर का। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और इसको मैंने सेल में परचेस किया जो 1700 के आसपास में पड़ा है। तो चलिए बात करते हैं इस होम थिएटर के बारे में। तो कुछ टाइप का बॉक्स है, आप देख सकते हैं सामने इसका फिगर दिखाई दे रहा है और यहाँ साइड में कुछ डिटेल उतर दिया हुआ है और यहाँ पे फिगर है कुछ नहीं है। और इस साइड देखे तो यहाँ पर कुछ मार्केटिंग डिटेल उटेल के बारे में बताया हुआ है कि इसमें साल क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने ब्लेड लिया, जल्दी से ब्लेड्स को ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस टाइप का अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो जल्दी से फटाक से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे उसमें कुछ स्टैंडर्ड इंटरफेस, यहाँ पर ऊपर 4 को स्पीकर रखा हुआ है, जो इसका कुछ स्पीकर है जो ट्रैवल स्पीकर का आता है। तो चलिए स्पीकर प्लास्टिक से बाहर निकालते हैं, देखते हैं स्पीकर क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर काफ़ी प्यारा सा छोटा सा स्पीकर है, जो इसकी बॉडी प्लास्टिक बॉडी है और पीछे यहाँ पर कुछ अच्छा गरम मतलब स्पीकर भी बाहर तक साइड निकला हुआ स्पीकर दिख रहा है स्पीकर का जो है। और यहाँ पर ये है स्पीकर, यहाँ पर केबल है, केबल की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। तो चलिए इसी तरह आप सभी स्पीकर बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि सभी स्पीकर देखने में कैसा लग रहा है। तो सभी तो चलिए प्लास्टिक सभी स्पीकर बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 1, 2 अलाइन से इसी तरह 3, 4 चारों को बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैं चारों को यहाँ बाहर निकाल लिया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों को, तो ये चारों स्पीकर, तो चारों स्पीकर तो देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर म्यूजिक का यहाँ सिंबल बनाया हुआ है, फिगर बनाया हुआ है और ऊपर यहाँ पर जेब्रोनिक लिखा हुआ है स्पीकर के ऊपर। और चारों स्पीकर हम सेम टू सेम चारों एक जैसा ही है और यहाँ पर सब में केबल दिया हुआ है, येलो कलर का कनेक्टर है। तो चलिए चारों स्पीकर रखते हैं नीचे और बात करें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो चलिए ऊपर ये पार्ट हटा रहा है जो थर्माकोल पार्ट है, तो थर्माकोल उस पार्ट को मैंने हटाया और देखते हैं इससे इसके अंदर क्या मिलता है। तो इसके अंदर ये होम थिएटर है मेन, जो इसका बेस होता है, और एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक का हमसे रिमोट केबल, ऑक्स केबल और एक साइड यूजर मैनुअल ये मिला है। तो यहाँ पर ये यूजर मैनुअल है जो कि कोई पढ़ेगा नहीं, मैं भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बताने जो नहीं, मैं पहले से तेज हूँ, मुझे क्या क्या करना है छोटा साइड में। और यहाँ पे ऑक्स केबल है जो कि इस टाइप ऑक्स केबल है, जो ये देख सकते हैं आप, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब ठीक ही ठाक है और मीडियम क्वालिटी है। और रेड वाइट यहाँ पर कनेक्टर दिया हुआ है और ये ऑक्स केबल साइड में। और बात कर लेते हैं इसमें रिमोट है, तो ये जेब्रोनिक का रिमोट है, इसकी क्वालिटी भाई हाँ प्राइस के अनुसार इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये जेब्रोनिक का रिमोट क्वालिटी भी अच्छी है। चलो साइड में रखते हैं, बात करते हैं और अंदर क्या मिलता है। तो ये मिला एक पैस, चलिए बेस को निकाले बाहर और कुछ नहीं है, बॉक्स पूरा खाली हो गया है और इसको निकाले फाइनली प्लास्टिक से। तो इस टाइप का काफ़ी नॉर्मल से यहाँ बेस है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका फ्रंट में यहाँ पे बेस का पॉइंट दिया हुआ है और नीचे ट्रेवर का पॉइंट दिया हुआ है। नीचे यहाँ पर ये MP3 का किट दिया हुआ है, सेटअप यहाँ पर जो बॉडी का ब्रांडिंग दी हुई है और कुछ नहीं साइड में, यहाँ पर कुछ नहीं साइड एकदम पूरा प्लेन है और कुछ नहीं है साइड में। पीछे साइड कहाँ पर यहाँ पर कुछ FM रेडियो वेडियो पॉइंट दिया हुआ 6 और यहाँ पावर ऑन ऑफ का दिया हुआ बटन और यहाँ पर ये पावर केबल है, जो पावर केबल कुछ इस टाइप का पावर केबल है, इसकी लंबाई भी काफ़ी अच्छी है और केबल क्वालिटी भी बोल सकते अच्छी है। तो चलिए और यहाँ पर कुछ नहीं है नीचे साइड, यहाँ हाँ मेन बेस यहाँ पे नीचे दिया हुआ जो साइड 25 वाट का बेस है, 25 वाट का बेस होगा। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। तो चलिए जल्दी से इसको जो चारों स्पीकर तो कनेक्ट करते हैं इस होम थिएटर से। तो चलिए चारों पॉइंट को मैं यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ, जो यहाँ पर ये आउटपुट साइड है, यहाँ आउटपुट साइड में मैंने सारे पॉइंट को कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये जो आया था ऑक्स केबल उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं रेड में और वाइट में। तो चलिए ये ऑक्स केबल साइड में जल्दी से इसको हम पावर देते हैं। तो ये रहा पावर आ गया मेरे पास, तो चलिए प्लग किस में लगा दिए और फाइनली ये होम थिएटर सामने आ गया। तो चलिए पावर को ऑन करते हैं, जैसे पावर को ऑन करेंगे हमारे से ना तो उस टाइप का ये लाइट हुआ, ब्लू कलर लाइट फिटिंग कर रहा है। और यहाँ पर चलिए मोबाइल से इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, ऑक्स केबल से नहीं करेंगे, यहाँ पर ऑक्स केबल काम कर रहा है यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कोई नो कॉपीराइट म्यूजिक यहाँ पे सर्च कर लेते हैं NCS के म्यूजिक, तो यहाँ पर NCS के म्यूजिक सेलेक्ट सर्च कर लिया और फाइनली ये रहा रिमोट जेब्रोनिक का। और यहाँ पे कंप्लीट फिर से बैटरी दिया नहीं, चलिए उसमें अपना बैटरी लगाते हैं। तो ये फाइनली बैटरी आ चुका है, उसको फटाक से बैटरी लगा लेते हैं और इसको करते हैं फिर ब्लूटूथ मोड में। तो ये बैटरी लगा लिए, कवर भी लगा लिए, अब यहाँ से करते हैं ब्लूटूथ मोड में। तो चलिए अब यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं मोबाइल का, इसको ब्लूटूथ सर्च कर लेते हैं क्या नाम से सब ब्लूटूथ आ रहा है और इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम कनेक्ट। तो यहाँ पर ये इसका ब्लूटूथ आया, यहाँ पर इसको कर लिए हम कनेक्ट। चलिए म्यूजिक बजाते हैं गाना। तो यहाँ पे कोई और म्यूजिक लगा, आप देख लेते हैं इसका साउंड कैसा आ रहा है। तो यार नेक्स्ट म्यूजिक, तो
तो आपको इतने से पता चल ही गया होगा कि इसका बेस और ट्रेवलर कैसा है। तो अगर आपको ये हेलमेट पसंद है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया दिया हुआ, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मिसेज टाइप का अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।